गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आई न्यू ब्लॉग। आई एम फाइन, आई होप टू यू वेल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ घर पर ही बालों को स्ट्रेट कैसे करते हैं और सिंपल वे में करना है। आपको ज़्यादा कोई महंगा सामान नहीं लाना है और जो भी आपको चीज़ें वो घर पर मिले बस दो चीज़ों को मिलाना है और तीसरा तो ऑयल है जो भी आपको घर पर ही मिल जाता है। और सारी चीज़ें एटलीस्ट घर पर मिल जाएंगी, आपको किचन में जाएंगे तो मिल जाएगा, नहीं भी है तो जनरल स्टोर पर आपको इजीली मिल जाएंगे। तो गाइस आपको करना क्या है, सबसे पहले तो भिंडी वैसे तो घर में कोई आपको भिंडी काट के बर्बाद करने नहीं देगा, हर नहीं 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 देंगे। तो ऐसा करना, आप अपनी मम्मी से बोलो कि आप भिंडी जब काट लें तो उनके आगे पीछे का एक पॉलीथीन में डाल के आप फ्रिज में रख दो। तो आप वीक में दो बार उनका यूज कर सकते हैं, आधे को एक बार और आधे को एक बार, तो उससे किसी तरह की डांट भी नहीं पड़ेगी और आपको इजीली भिंडी मिल जाएगी। आप खरीद के डायरेक्ट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो वैसे भिंडी की सब्जियाँ वो भी करो तो वो भी उतना ही काम करते हैं जितना कि आप डायरेक्ट भिंडी डालेंगे। तो सबसे पहले करना क्या है, एक हत्ता लेना है जिसमें हैंडल लगा होता है, उस हत्ते में आपको एक गिलास पानी डालना है सिंपल, ठीक है। जब पानी गर्म होने लगे तब उसमें आधी भिंडी जो आपकी मम्मी ने काटी उसमें से आधी भिंडी या एक कटोरी भिंडी आपको उसमें डाल देना है। उतनी देर तक फुलाना जब तक भिंडी थोड़ी मुलायम नहीं हो जाती है, ठीक है। फिर आपको उसको मैसर से उसी में हत्ते में मैसर से इस तरह से थोड़ा सा मैश कर देना ताकि उसके अंदर का भी जो है रस है वो भी उसमें आ जाए पानी में, ठीक है। इसके बाद उसको छान लेना है स्ट्रेनर से, ठीक है, एक बॉल में, ठीक है, बड़े बॉल में छान लिया, ठीक है। अब इसके बाद जो पानी निकला आपको फिर उस हत्ते में वापस डाल देना, भिंडी को अलग हटा दीजिए। अब आपको भिंडी का पानी मिल गया। अब इसमें क्या करना है, कॉर्न स्टार्च आता है जो किचन में आपको मिल जाएगा, नहीं है तो किराना स्टोर पर खुला भी मिल जाता है, कम रेट में भी मिलता है, तो आप थोड़ा सा लेके आ जाइए। तो कॉर्न स्टार्च आप एक चम्मच, जिस चम्मच से अपन खाना खाते हैं वो चम्मच आपको डाल देना उसमें और एक एक दो खोल आने तक खोला लीजिए, ठीक है। अब उसको ठंडा हो जाने दीजिए, ठंडा होने के बाद में उसमें एक दो बूंद नारियल के तेल की भी आप उसमें डाल दीजिए, ठीक है। इसके बाद जब वो ठंडा हो जाए तो बालों में स्ट्रेट पोजिशन में इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में आपको पूरे पे लगा लेना है, ठीक है। और करीब 20 मिनट तक इसको लगा रहना है। इस बीच में आप अपना कोई सा भी पढ़ाई से रिलेटिव काम कर लीजिए या कोई ब्यूटी टिप्स फेस मॉक्स लगा लीजिए चेहरे पर या नेल से रिलेटिव काम कर लीजिए, कुछ भी अपना काम टाइम पास कर लीजिए, तो 20 मिनट इजीली आप पे टाइम पास हो जाएगा और अच्छी तरह से ये एब्जॉर्ब हो जाएगा बालों में। मेन चीज़ क्या है कि ये इससे फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि हमारे कर्ली बाल जो होते हैं तो उससे हमारी स्मूथनेस बालों के अंदर की चली जाती है। अब कारण या तो जेनेटिक रहता है या आजकल वेदर की वजह से भी होता है, प्रदूषण की वजह से भी होता है, तो कुछ भी वजह हो सकती है, कुछ हार्मोन्स परिवर्तन या विटामिनों की कमी या कुछ भी होकर हमारे बाल कर्ली कभी कभी हो जाते हैं या यूजली रहते हैं, तो उनको सही करने के लिए इसको लगाते हैं। तो ये अंदर से उनको नरस करता है, मुलायम करता है और उनके जो कर्लीनेस है उसको ख़त्म कर देता है, ये है इसकी मेन रीजन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको स्ट्रेट पोजीशन में ही सेम किसी भी शैम्पू जो आप यूज करते हैं उसी शैम्पू से आपको स्ट्रेट पोजीशन में इसको धो लेना है, स्ट्रेट में ऐसे ऐसे करके, ज़्यादा यूँ मैसी नहीं करना, स्ट्रेट पोजीशन में ही अपन को धोना है, ठीक है। फिर इसके बाद टॉवल्स को भी ऐसे ऐसे करके ऐसे स्ट्रेट पोजीशन में ही रखना है अपन को, ज़्यादा उसको वो बन नहीं बनाना ना पोनीटेल बांधना है, ठीक है। इसके बाद आपको कंघे से इस तरह से ये कंघा लिया और इससे ऐसे करके बालों को अंदर की तरफ से यूँ ऐसे ऐसे, तो अपन यूजली करते हैं ऐसे नहीं करना, आपको यूँ करके यूँ पहले बालों को यहाँ से बीच में से करके दो भाग कर लीजिए। इसके बाद नॉर्मल कंघे से ऐसे ऐसे आपको इसे ऐसे करके आपको सुखाना, जो हल्के हल्के थोड़े गीले रहते हो मोटे कंघे से आप कर लीजिए। ये तो हो गया आपका नॉर्मल। अब आपके पास अगर ये वाला है हीट वाला बिजली वाला कंघा है तो इससे तो बहुत अच्छा रिजल्ट, क्योंकि अंदर तो उनमें नमी चली गई है, अब बाहर से आपने स्ट्रेट और कर दिया तो ये आपके बहुत जल्दी आपको गुड रिजल्ट देगा और हमेशा के लिए फिर आपके कर्ली होना बंद हो जाएंगे। अगर वीक में आप दो बार ये
भिंडी वाला पानी और कॉर्न स्टार्च और नारियल का तेल वाला पानी आप लगाते हैं और शैम्पू से धोते हैं। अब आपको और इसमें जो चीज़ें दिखाते हैं कि लोग कहते हैं कि आप हनी डालिए, एलोवेरा जेल डालिए, जैतून का तेल डालिए, तो जो ये तीन चीज़ों में है वही चीज़ उनमें भी होती है। तो ये तीन चीज़ भी वही काम करेंगी आपको, अगर हैं इजीली आपके घर में हैं तो डाल लो, वो फायदे ही करेंगे, कोई नुकसान तो करेंगे नहीं, लेकिन नहीं है तो ये चीज़ भी पूरा परफेक्ट वही काम करेंगी। नारियल का तेल मुलायम भी करेगा और ये आपने जो कॉर्न स्टार्च चला ये आपके बॉडी को प्रोटीन भी देगा, भिंडी में पूरे मिनरल वगैरह सब मिल जाते हैं, तो इन सब चीज़ों से आपके बालों को जो मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, अब धोने के टाइम में आप शैम्पू से धो लिया, अब आपके पास अगर कंडीशनर है तो कंडीशनर लगा के फिर एक बार और धो लीजिए। सुखाने के टाइम अगर आपके पास में सीरम है तो आप सीरम लगा लीजिए, और अगर आपके पास स्टाइल करने वाला सीरम है, एक एक स्टाइल करते हैं ना इसे फुलाते हैं, तब एक सीरम होता है जो ज़्यादातर ब्यूटी पार्लर में आपने देखा होगा कि जब भी वो स्टाइल करते तो सीरम लगाते जाते बन वगैरह बनाते, तो वो एक बार जब बाल सेट हो जाते तो फिर ख़राब होते नहीं है, तो वो लगा लीजिए अगर है तो। नहीं तो सिंपल वे में मैंने जो चीज़ बताई थी बस वो ही परफेक्ट हैं। ठीक है, ये चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ कि यूजली लोग बाग इस तरह की बातें बोलते हैं कि सीरम लगाइए, कंडीशनर लगाइए, मात्र बालों को शैम्पू से धो लीजिए, आपने ये तीन चीज़ें डालें ये सब कुछ कर देंगे, आपके बालों को मुलायम भी कर दिया तो कंडीशनर की ज़रूरत नहीं है, आपने तेल डाला तो शाइनिंग भी आ गई, तो सीरम की ज़रूरत भी नहीं है, आपके बाल उलझेंगे भी नहीं, बट आपके पास है तो लगा लीजिए और अच्छी बात है। तो ये आपने कर लिया, इस तरह से बालों को आपने सुखा लिया। अब आपके पास अगर इस तरह से है तो और आप कर लीजिए, और इस तरह से कंघा है तो इस तरह से कर लीजिए, लेकिन इन चीज़ों की भी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर है तो और कर लीजिए और अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं तो आप इस तरह से ऐसे करके पंखे के पास बैठ जाइए और इसी तरह से ऐसे ऐसे करके दो भागों में कर लिया, एक भाग से इस तरह से अंदर